नमस्कार साथियों, मैं मेनपाल हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपके लिए हिंदी की क्लास जो है प्रतिदिन लेके आता हूं, और इसी आशा के साथ कि आपकी अच्छी तैयारी हो रही होगी, मैं आज आपके लिए उपसर्ग की क्लास साथियों लेके आया हूँ। उपसर्ग की क्लास, कल हम उपसर्ग को कर रहे थे साथियों, तो बीच में हमारा टॉपिक छूट गया था, यानी एक क्लास हमने पूरी की थी, आज उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कोशिश करूंगा दो या तीन क्लास में मैं उपसर्ग पूरा करवा दूं आपको, क्योंकि साथियों उपसर्ग जो है हमने रटना नहीं है कि 66 उपसर्ग होते हैं या 88 उपसर्ग होते हैं, 90 उपसर्गों की संख्या कुल होती है, हिंदी के उपसर्ग 22 होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। साथियों रटना नहीं है कौन कौन से होते हैं, उपसर्ग को समझना है। दोस्तों क्या करना है, उपसर्ग को समझना है, और किस प्रकार से समझना है साथियों, उपसर्ग को इस प्रकार से समझना है कि उपसर्ग से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न यदि आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा वो प्रश्न 100% सही होना चाहिए, चाहे देने वाला किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, हमें हमारा उत्तर जो है वो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी आशा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। कल हमने किया था साथियों कि उपसर्ग जुड़ते कैसे है, थोड़ा सा पिछला दोहराव करवा देता हूँ मैं। उपसर्ग जुड़ते कैसे है साथियों, कैसे जुड़ते हैं उपसर्ग। एक तो था हमारा कि संधि पद से जुड़ा था, संधि पद से जुड़ा था साथियों, कैसे जुड़ा था कि संधि पद से उपसर्ग जुड़ा था। उदाहरण लिया था हमने प्रत्येक का साथियों, क्या उदाहरण लिया था, प्रत्येक का उदाहरण लिया था कि यहाँ पे संधि हुई है, कौन सी है, यण स्वर संधि है साथियों, कौन सी है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में जुड़ता है। दूसरा जुड़ता है हमारा कौन सा, जो व्यंजन संधि होती है हमारी उसमें जुड़ता है। दोस्तों किसमें जुड़ता है, यण स्वर संधि में जुड़ेगा, और दूसरा जुड़ेगा साथियों व्यंजन संधि में। क्या संधि समत पद से जब बनाएंगे उपसर्ग किस प्रकार से बनाएंगे, यदि प्रत्येक की संधि करेंगे तो प्रति धन एक आएगा साथियों, क्या आएगा, प्रति धन एक। अब इसमें देखिए एक जो शब्द रहा है ये क्या है, मूल शब्द है दोस्तों, क्या है, मूल शब्द है, और पहला जो पद आता है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं उपसर्ग, क्या कहते हैं साथियों, उपसर्ग कहा जाता है। पहचान हो गई होगी आपको कि उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है साथियों। इसमें प्रश्न इसी प्रकार से आता है, क्योंकि आज की जो क्लास है ना उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और क्या चर्चा रहेगी साथियों, आज हमारी यही चर्चा रहेगी कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। कल हमने क्या किया, किस प्रकार से जुड़ता है, आज हम करेंगे प्रश्न किस प्रकार का आता है, ठीक है, किस प्रकार से जुड़ता है। पहला संधि पद से जुड़ा था और दूसरा जुड़ा था साथियों संयोग से। संधि और संयोग का आपको बता चुका मैं कि संधि क्या होती है, संयोग क्या होता है। संधि और संयोग, जब हमने संधि का टॉपिक लिया था, संधि का बिंदु जब क्लियर किया था, उसमें भी हमने संधि और संयोग दोनों को अच्छे से पढ़ा था, और आज भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। संयोग में परिवर्तन नहीं होता साथियों, और संधि में परिवर्तन होता है। शब्दों के वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन होगा तो संधि होगा, विकार या परिवर्तन नहीं होगा तो मात्र संयोग होगा। देखिएगा जैसे मधुर शब्द है हमारे सामने, मधुर, और इसके साथ यदि हमने ता जोड़ा तो क्या होगा साथियों, मधुरता बनेगा, क्या बनेगा, मधुरता। कोई विकार या परिवर्तन नहीं हुआ, विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसको कहा जाता है दोस्तों संयोग। अब विकार या परिवर्तन होगा तो उसको संधि कहेंगे। विकार या परिवर्तन कैसे लेना है दोस्तों, अभी हमारे सामने शब्द है, अभी शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश है, अभी के साथ में यदि जुड़ता है अंतर, अभी के साथ में क्या जुड़ा, अंतर, तो मिल करके क्या बनेगा दोस्तों, अभ्यंतर बनेगा।
यंग्स वर्ब संधि का उदाहरण है अभियांतर बनेगा, इसमें अंतर हुआ, परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, इसका नाम है संधि, इसका नाम है संयोग। संधि से जुड़ेगा तो संधि से प्रत्येक जुड़ा, प्रति धन एक आया, मूल शब्द एक है, उपसर्ग प्रति है दोस्तों, इस प्रकार से आता है। एक संयोग से जुड़ता है मधुर प्लस था, या संयोग से और भी जुड़ता है। संयोग से जब जुड़ता है तो दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब संयोग से जुड़ेगा ना तो इसमें एक तो आएगा दोस्तों नया शब्द, क्या बनेगा, नया शब्द यानी नए शब्द का निर्माण होगा, और दूसरा बनेगा साथियों क्या, सामासिक पद, क्या बनेगा दोस्तों, सामासिक पद यहाँ पर बनने वाला है, सामासिक पद साथियों। कहने का मतलब कि सामासिक पद बन सकता है, नया शब्द बन सकता है, संधि पद बन सकता है, किससे, उपसर्ग जुड़ने से बन सकता है, ठीक है। ये थी हमारी कल तक की क्लास, आज बढ़ते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए समझते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आता है दोस्तों। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आज की जो क्लास है कल पर ही डिपेंड है साथियों, कल पर बिल्कुल डिपेंड होगी क्लास, कैसे होगी चलिए समझते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है, पहला प्रश्न का टाइप होता है साथियों नंबर एक, यदि मैं नाम लूं कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, तो पहला आता है मूल शब्द को अलग कीजिए, मूल शब्द क्या है, उपसर्ग देगा और पूछेगा, उपसर्ग जुड़ा हुआ पद देगा और क्या पूछेगा कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। उत्तर कैसे रहेगा दोस्तों, देखिएगा जैसे यहाँ पर हार के साथ प्रति लगा हुआ है दोस्तों, क्या लगा हुआ है, प्रति, और क्या दिया हुआ है, प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ रहता है दोस्तों द्वारपाल, क्या रहता है, द्वारपाल, प्रतिहार का अर्थ क्या रहता है साथियों, द्वारपाल रहता है। द्वारपाल शब्द में क्या है, ध्यान दीजिएगा, द्वारपाल को नहीं देखना साथियों, हमें प्रतिहार को देखना है। प्रति इसमें क्या है साथियों, प्रति उपसर्ग है, प्रति तो क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा साथियों, और हार जो शब्द है यह मूल शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है साथियों, हार मूल शब्द है। पूछेगा हमसे कि मूल शब्द क्या है दोस्तों, हार मूल शब्द है। इसी प्रकार यदि हार के साथ यदि आ लगा हो, आ लगा हो तो क्या बनता है साथियों, आहार बनता है, आहार में भी मूल शब्द पूछेगा कि आहार जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, शब्दांश क्या है साथियों, तो शब्दांश क्या है, शब्दांश तो यहाँ पे आ है साथियों, शब्द का अंश है, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हार जुड़ा हुआ है, हार जो हमारा रहा ये रहा साथियों मूल शब्द। तो दोस्तों कोई भी शब्द हमारे सामने आता है उसमें से हमें मूल शब्द निकालना पूछेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या रही दोस्तों, मूल शब्द आप पहचान रहे हो, ठीक है, मूल शब्द यहाँ पे क्या है साथियों, हार मूल शब्द है, हार मूल शब्द है, हार मूल शब्द है, हार मूल शब्द है, हमने पहचान लिया। प्रत्येक में एक मूल शब्द था और यहाँ पर क्या है, हार मूल शब्द है साथियों, पहचान लिया बिल्कुल कि हार मूल शब्द है। अब देखिएगा होता कैसा है, ध्यान देना कि यहाँ लिख रहा हूं मैं मूल शब्द, मूल शब्द बिल्कुल आराम से समझेंगे साथियों, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी वक्त पड़ा है समझने के लिए, यदि अभी हमने जल्दबाजी किया तो प्रश्न बीच में से छूट जाएगा, कोई तथ्य छूट जाएगा और एग्जाम में वो आ जाएगा, तो हम उसको हल किस प्रकार से करेंगे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए आप और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते जाइए साथियों, यदि इसको क्लियर करते जाएंगे ना तो हमारा तथ्य नहीं छूटेगा। उपसर्ग से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा साथियों, और हमारा मकसद यही है, टॉपिक को हल करने का मकसद यही रहता है कि हमारा प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेके आता हूँ आपके लिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, विकारी शब्द होता है, ध्यान देना, मूल शब्द कैसा होता है, विकारी शब्द होता है, और विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, जो जिसमें परिवर्तन होता है, क्या होता है साथियों, उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कैसे साथियों, जब हमने सीखा था कि
उपसर्ग की परिभाषा पढ़ा था हमने पहले दिन, तभी हमने पढ़ लिया था कि वे शब्दांश कौन से शब्दांश साथियों, वे शब्दांश कौन से जो किसी मूल शब्द के, किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, पहला तो क्या पढ़ा था कि वे शब्दांश होते हैं, वे शब्द नहीं होते, और दूसरा क्या पढ़ा था कि किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नया अर्थ बना देते हैं। तो दोस्तों नया पद या नया अर्थ बनाएंगे, नया शब्द बनाएगा या परिवर्तन करेगा, तो दोस्तों परिवर्तन का अर्थ ही बदलाव होता है। बदलाव किस में होता है साथियों? अब अविकारी शब्दों में तो बदलाव होता नहीं, अविकारी शब्द तो अपने आप वैसे के वैसे रहते हैं साथियों, परिवर्तनशील नहीं होते। तो ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं साथियों विकारी शब्दों के साथ। प्रश्न सीधा सा आ जाता है कि उपसर्ग किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या रहेगा? विकारी शब्द रहेगा। किसके साथ जुड़ता है? विकारी शब्द के साथ जुड़ता है। यहां तक हमने समझा। अब दूसरा प्रकार देखते हैं कि प्रश्न दूसरा किस प्रकार से आता है। पहला हमने समझा मूल शब्द अलग करना आता है, प्रश्न प्रतिहार से मूल शब्द को अलग करेंगे, हार को अलग करेंगे, प्रति को अलग करेंगे, तो मूल शब्द अलग हो जाएगा। हम बता देंगे कि मूल शब्द इसमें हार है। पहला हमारा पैटर्न ये था, पहला तरीका ये था क्वेश्चन बनाने का या क्वेश्चन का उत्तर देने का साथियों। एक प्रकार का प्रश्न जो है इस प्रकार का जरूर पूछा जाता है, जो हमने हल किया। अब दोस्तों दूसरा प्रकार आता है, वो क्या होता है साथियों? कई बार क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देता है और क्या करता है कि मूल शब्द व उपसर्ग दोनों दे देता है। क्या देता है? मूल शब्द व उपसर्ग, बताओ मूल शब्द व उपसर्ग को पहचानो, को पहचान कर अलग करो, या इस प्रकार से आता है। पर हमने क्या करना है दोस्तों? मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को पहचानना पड़ेगा। कैसे आता है दोस्तों? इसमें दो प्रकार से बनता है। ये कैसे बनता है? दो प्रकार से, ए और बी में मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। ए नंबर पे जो आता है दोस्तों वो कैसे आता है? संयोग से आता है। कैसे आता है दोस्तों? संयोग से आता है। अभी हमने किया था साथियों जैसे प्रतिहार, प्रतिहार ये क्या था दोस्तों? प्रति के साथ में प्रतिघन हार लगा था, प्रतिहार, ठीक है। यहाँ पहचान लेंगे मूल शब्द, यदि प्रत्यय को अलग, उपसर्ग को अलग किया, मूल शब्द को अलग किया, यानी कि जो शब्द है उसका संयोग कर दिया हमने, तोड़ दिया, तो कैसे रहेगा दोस्तों? दोनों शब्द आएगा, पहला शब्द उपसर्ग आ जाएगा और अंतिम शब्द जो रहेगा वो क्या होगा दोस्तों? मूल शब्द होगा। इसी प्रकार हार के साथ में यदि वी धन हार आता है, ठीक है, और क्या आ सकता है दोस्तों? वी धन हार में क्या रहेगा? विहार रहेगा दोस्तों, विहार रहेगा। या आ सकता है दोस्तों आहार आ सकता है दोस्तों, आधन हार, आधन हार। क्या होता है दोस्तों? हार मूल शब्द है, आ जुड़ा अर्थ इसका रहेगा दोस्तों भोजन। क्या रहेगा अर्थ इसका? भोजन, पहली क्लास में शायद कर चुके। विहार का अर्थ रहता है दोस्तों भ्रमण, प्रतिहार का अर्थ अभी बताया था दोस्तों द्वारपाल रहता है, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कर चुके। इस प्रकार से आता है, संयोग से आता है दोस्तों। एक प्रकार हमारा ये था दोस्तों। अब दूसरा प्रकार जो मैं बी पॉइंट बना करके लिख रहा हूँ साथियों, दूसरा क्या रहता है साथियों? दूसरे में आ सकता है कि संधि से बनाओ। कैसे बनाओ दोस्तों? संधि से बनाओ, और संधि में क्या होगा दोस्तों? संधि से जो बनेगा ना उसमें क्या होगा? विच्छेद करेंगे। संधि में क्या करेंगे दोस्तों? विच्छेद करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, और मूल शब्द और जो प्रत्यय है वो अलग अलग करके हम लोग लिख देंगे साथियों। समझ में आई बात आपको? यानी कहने का मतलब कि संधि से भी बन सकता है। अब दोस्तों हमारे सामने मान लो शब्द आ गया कि प्रतिहार, विहार या प्रत्येक
या और आ सकता है या सभी आ सकता है, सभी उपसर्ग बताओ निम्न में से किस में उपसर्ग है। ठीक है तो साथियों आप क्या देखते हो, देख लोगे या यहाँ बिहार की जगह पे और भी कुछ आ सकता है, अन्य आ सकता है। साथियों यदि इस प्रकार का आता है हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रत्येक है या अन्य है इसके अंदर क्या है दोस्तों, संधि है। इस दोनों में क्या है, संधि का पद है ये, तो हम लोग उपसर्ग वाला क्या करते हैं, प्रतिहार में देखते हैं कि प्रतिहार में उपसर्ग है। दोस्तों प्रतिहार में ही उपसर्ग नहीं है, संधि में भी उपसर्ग होता है प्रत्येक में और अन्य में। दोस्तों ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि संधि पद से भी उपसर्ग होता है या प्रश्न आता है और उसमें आए कि संधि से भी उपसर्ग बनता है, हमें यदि पता हो तो इसमें भी उपसर्ग हम निकाल देंगे और ऑप्शन क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेंगे, जो हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों सबके अंदर क्या है, संधि का पद है और सब में क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। दूसरा तरीका ये रहा, अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की ओर। आगे किस प्रकार का आता है दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार में क्या होता है दोस्तों, संधि विच्छेद वाला आता है। ध्यान दीजिए जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था प्रति धन एक, क्या था प्रत्येक का लिया था प्रत्येक। दोस्तों इसमें जो पहला पद रहता है, पहला पद वो क्या होता है, उपसर्ग होता है और जो अंतिम पद रहता है वो क्या रहता है साथियों, वो रहता है हमारा मूल शब्द। क्या रहता है साथियों, मूल शब्द जो रहता है वो अंतिम पद रहता है। तो दोस्तों इसमें से भी आप मूल शब्द में उपसर्ग दोनों को पहचान सकते हो। तीसरा तरीका हमारा क्या आता है साथियों देखते हैं, तीसरा पद जो आता है ना, कई बार क्या होता है दोस्तों, एकाधिक भी आ सकता है, एकाधिक तीसरा क्या रहता है, एकाधिक उपसर्ग भी आ सकता है, एकाधिक। एकाधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक से अधिक उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग भी आता है और ये पूछा जाता है कि एक से अधिक उपसर्ग किस में है या उपसर्ग बनाना होता है दोस्तों तो किस प्रकार से दिक्कत आ जाती है, किस में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा मूल शब्द है साथियों, तो उसमें भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए देखते हैं एकाधिक में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे सामने लिखा हुआ साथियों दुर्व्यवहार शब्द जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दुर्व्यवहार दोस्तों, इसमें किस प्रकार से करेंगे साथियों, एक से अधिक उपसर्ग है, कैसे होगा साथियों, दुर धन वी धन अव धन हार। दुर्व्यवहार यदि आता है दुर वी अव हार तो इसमें साथियों मूल शब्द क्या निकला हमारा, दुर भी अव और हार, ये हमारा टुकड़े हुए साथियों। कहने का मतलब क्या हुआ, जो उपसर्ग निकला पहला उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग और तीसरा उपसर्ग, कहने का मतलब इसमें एक दो और तीन तो क्या है साथियों उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है दोस्तों हार है। मैंने कहा था आपको दोस्तों कि मेरा लगभग पढ़ाने का तरीका कहो या कहो आपको समझाने का तरीका कि एक ही शब्द लेते हैं और उसी को तोड़ मरोड़ करके उसी के बारे में जोड़ जोड़ करके हम लोग समझते हैं तो शायद अच्छे से समझ पाते हैं कि एक ही शब्द में किस प्रकार से उपसर्ग जुड़ता है, क्या क्या परिवर्तन आता है। साथियों में पहली क्लास से लेकर के आज की क्लास तक मैं हार शब्द जो है इसको नहीं छोड़ा, हार के साथ में कितने कितने शब्द हमने जोड़ करके किया था दोस्तों, प्रतिहार हमने किया था, आहार हमने किया था, विहार हमने किया था दोस्तों, अब दुर्व्यवहार तक हम लोग आ गए। कम से कम हार शब्द की हम लोग 10 से 15 एग्जांपल कर चुके साथियों, समझ गए होंगे सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे साथियों। ठीक है तो इसमें क्या करती है हम लोग टुकड़े करते जाते हैं दोस्तों, टुकड़े करना है, क्या करना है दोस्तों, टुकड़े करते रहे, टुकड़े करते रहे, आखिर जो शब्द बचता है ना, अंतिम वर्ण जो बचता है साथियों, अंतिम जो शब्द बचता है
वो क्या होता है दोस्तों, हमारा मूल शब्द होगा, वो हमारा क्या होगा साथियों, मूल शब्द होगा। और जो प्रारंभ में जितने भी आते हैं, इससे पहले जितने भी आते हैं, इससे पहले जो भी आते हैं वो क्या होगा साथियों, उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। इसमें देखिए साथियों, एक दो तीन उपसर्ग है, हमने टुकड़े करते रहे साथियों, जितना टुकड़ा हुआ यहाँ पर दुर्व्यवहार के अंदर दोस्तों, यहाँ पे संधि भी हो रही है, यानी कि एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकता है, और हमसे एक से अधिक उपसर्ग जो है उसके बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, और हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है उपसर्गों के बारे में, क्या ध्यान रखें साथियों, उपसर्ग के जो प्रकार है उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी, उसके बाद बढ़ाते हैं क्लास को आगे। अब दोस्तों देखिएगा, मूल रूप से जो उपसर्ग होता है ना, मूल रूप से ठीक है, वो कैसे जुड़ते हैं दोस्तों, नंबर पहले भी हम लोग लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। किस प्रकार के उपसर्ग दोस्तों, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग दोस्तों। सबसे पहली बात करें संस्कृत भाषा के, मुख्य रूप से 22 उपसर्ग लिए जाते हैं। दूसरा उपसर्ग दोस्तों आता है, वो आता है हिंदी भाषा के उपसर्ग। क्या आते हैं दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग दोस्तों 22 ही लिए होते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है साथियों, विदेशी उपसर्ग बोला जाता है, विदेशी उपसर्ग या विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग कहें या विदेशी भाषा के उपसर्ग कहें दोस्तों, विदेशी भाषा के उपसर्ग, इनकी संख्या भी 22 होती है। अन्य उपसर्ग भी 22 होते हैं दोस्तों, 22 जो 88 होते हैं, परंतु मुख्य रूप से यही रहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नंबर एक संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ना, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग साथियों सिर्फ संस्कृत शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों, संस्कृत के शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, शब्दों के साथ, ठीक है, या ये संस्कृत के शब्द जो है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब तत्सम शब्दों के साथ जो उपसर्ग जुड़ते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। मान लो दुर् उपसर्ग जुड़ता है दुर, ठीक है, धन आचार, आचार क्या होगा दोस्तों, दुराचार होगा, क्या होगा, दुराचार दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग होगा। दूसरा यदि मैं बात करूं हिंदी का, तो हिंदी का उपसर्ग दोस्तों कभी संस्कृत में नहीं जुड़ेगा, हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा में जुड़ते हैं, हिंदी के हिंदी में जुड़ेंगे, हिंदी के हिंदी भाषा में जुड़ेंगे, यानी कि तद्भव में जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे साथियों, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो अन, अन उपसर्ग हिंदी का है, और अन के साथ में पढ़ जुड़े साथियों, संयोग से जुड़ेगा, अनपढ़ बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, अनजान भी बन सकता है, अनजान भी बन सकता है। इस प्रकार से क्या होगा, हिंदी के उपसर्ग किसमें जुड़ेंगे, हिंदी में जुड़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत में जुड़ेंगे साथियों। और तीसरा आता है विदेशी उपसर्ग, क्या आता है साथियों, विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग जो है वो किसमें जुड़ते हैं दोस्तों, विदेशी उपसर्ग विदेशी शब्दों में जुड़ते हैं, इसमें जुड़ेंगे विदेशी शब्दों में जुड़ते हैं साथियों। समझने का कोशिश करना कि विदेशी उपसर्ग विदेशी में जुड़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग हिंदी में जुड़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत में, जिसको कहा जाता है तद्भव शब्द, उसी में जुड़ेंगे साथियों। कैसे जुड़ेगा विदेशी उपसर्ग को, जैसे मान लो बे है, बे उपसर्ग विदेशी है, और ये इसके साथ में जुड़ा घर, ठीक है, क्या बनेगा, बेघर, ठीक है, या जुड़ा बे उपसर्ग के साथ में दर्द जुड़ा तो क्या बनेगा साथियों, बेदर्द, ठीक है, ये इस प्रकार से जुड़ते हैं साथियों। हमने समझा मूल रूप से जो
उपसर्ग होते हैं साथियों, तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, मुख्य रूप से 22 वर्ण भी होते हैं साथियों। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग 22 होते हैं साथियों, अन्य भाषा या कहीं विदेशी उपसर्ग साथियों वो भी 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग साथियों संस्कृत के साथ में ही जुड़ते हैं, इसके अलावा कैसे जुड़ते हैं वो भी हमने समझा। हिंदी के उपसर्ग हिंदी में जुड़ेंगे और जो विदेशी उपसर्ग है वो किस में जुड़ेगा साथियों, विदेशी शब्दों में ही जुड़ेगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता साथियों। हिंदी के उपसर्ग कभी संस्कृत के में शब्द में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक आज अच्छे तरीके से समझ लिया होगा साथियों, आगे बढ़ाते हैं क्लास को और कुछ उपसर्ग हम लोग करने वाले हैं कि कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से जुड़ते हैं साथियों, इसको भी करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उपसर्ग अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमने बनानी है इंडेक्स एक छोटी सी और इसमें एक तरफ लिखना है साथियों उपसर्ग, क्या लिखना है उपसर्ग लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है के रूप में प्रयोग होता है, कि अर्थ के रूप में प्रयोग। साथियों वास्तव में अर्थ नहीं होगा, अर्थ के रूप में प्रयोग होगा, अर्थ के संदर्भ में उसको लिया जाएगा और आगे आता है दोस्तों उपसर्गयुक्त पद। उपसर्गयुक्त पद या कहीं शब्द कहेंगे, ठीक है, उपसर्ग युक्त शब्द या उपसर्ग का पद रहेगा साथियों। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। दोस्तों क्या कर रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग साथियों समझना। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहला आता है दोस्तों अति, क्या आता है अति, उपसर्ग है अति और के अर्थ में प्रयोग होता है। अति का यानी कि अर्थ क्या लेंगे दोस्तों, अति का अर्थ लेंगे अधिक, या दोस्तों एक लेते हैं परे, इन दोनों में से एक अर्थ लेंगे साथियों। अर्थ होता नहीं है अति का, अर्थ अधिक होता नहीं है, अति का अर्थ अधिक के लिए लेते हैं, प्रयुक्त किया जाता है अति कर दी, कहते ना कई बार आपने तो अति ही कर दी। अति का अर्थ दोस्तों हद पार कर देना, यानी कि कई बार हम लोग कहते हैं बस करो, अब आपकी अति हो गई, अब आपकी ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो दोस्तों वो क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। और इसका कैसे लेंगे दोस्तों, अतिक्रमण दोस्तों संयोग से जुड़ा है, अतिक्रमण शब्द जो है संयोग से जुड़ा है, ठीक है। अब संधि से भी जुड़ सकता है, मान लो यदि आता है अत्याचार अति आचार अत्यधिक, अब अधिक से भी ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अत्यधिक कहते हैं। कैसे होगा देखिएगा, संधि से जुड़ा है अति प्लस अधिक, अति धन अधिक, अति का अर्थ भी अधिक और अति का अर्थ भी अधिक और आगे भी क्या लगा है अधिक, अधिक अधिक जब दो बार होता है तो हम कहते हैं अधिक, अधिक दो बार आने पर हम लोग क्या कहते हैं अत्यधिक, ठीक है दोस्तों। तो संधि से जुड़ा है, संधि से भी जुड़ सकता है। महत्वपूर्ण ये रहता है साथियों कि संधि से जुड़ने वाला होता है ना वो ही एग्जामिनर हमको उठा करके देता है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द उठा करके देगा, इसमें आप अति निकाल दोगे। अति और क्रमण दो शब्द अलग अलग है साथियों, अति शब्दांश है क्रमण शब्द है और इसमें क्या है संयोग से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इसके अंदर जो होता है थोड़ी सी मुश्किल होती है। ऐसे शब्द आपके सामने लिख दिया दोस्तों, अतिक्रमण अत्यंत हुआ, अत्यंत भी हो सकता है, अत्यंत भी हो सकता है साथियों, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं
ये अति उपसर्ग से बने हैं साथियों। इस प्रकार के शब्द आप और भी देख लेना, आपको बुक में दोस्तों बहुत सारे मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण यही रहता है दोस्तों कि संधि से किस प्रकार से जुड़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे की ओर, और दूसरा हम लोग लिख लेंगे क्या, जिसका अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग लेंगे हम अधिक। क्या है दोस्तों अधिक, और अधिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों प्रधान, या इसी को कहा जाता है दोस्तों श्रेष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों श्रेष्ठ, प्रधान या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और क्या होता है देखिएगा, अधिकरण शब्द क्या होगा दोस्तों, अधिकरण पहचान लोगे, संयोग से बना है अधिकरण, ठीक है। अधिनियम क्या है दोस्तों, अधिनियम दोस्तों इसमें कठिनाई नहीं आएगी, अधिकरण है, अधिनियम है, संयोग से जुड़ा है। दिक्कत क्या आती है दोस्तों, मान लो हमारे सामने लिख दिया शब्द अध्यक्ष, क्या लिखा अध्यक्ष, अधिघन अक्ष दोस्तों इस प्रकार का होता है, क्या होता है अधि, इसके साथ में क्या जुड़ा दोस्तों अक्ष जुड़ा, अधि के साथ में अक्ष जुड़ा, क्या बना अध्यक्ष, या जुड़ेगा साथियों अधिकृत, अधिकृत भी इसमें आता है। इस प्रकार के सारे शब्द जो होते हैं वो किस में आते हैं, अधि उपसर्ग में आते हैं। इसमें से हमने संधि करना है और शब्द को निकाल लेना है साथियों, या हमें क्या करना है संयोग करना है और मूल शब्द और संधि को निकाल देना है, ठीक है। अध्यापक आ सकता है साथियों, इसमें क्या आ सकता है अध्यापक, अधिघन आपक, ठीक है, ये भी आ सकता है। अधिकृत आ गया, अध्यक्ष आ गया, अधिनियम आया, अधिकरण आया, अध्यापक आया, ये सारे के सारे शब्द जो है किसके हैं साथियों, अधि उपसर्ग के हैं। इस प्रकार के उपसर्ग दोस्तों हम लोग और अधिक करने वाले हैं, परंतु एक और क्लास में करेंगे साथियों, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा उपसर्ग जो है एक स्लाइड के द्वारा मैं तैयार करके पहले से लिख करके आपको उस पर एक्सप्लेन करूँ साथियों, क्योंकि उपसर्ग को समझाने वाला जितना चैप्टर था वो हमने अच्छे तरीके से समझा है साथियों। अब क्या होता है, उपसर्ग लिखा, उसका अर्थ देखा और उधर कुछ शब्द देखे दोस्तों, इस प्रकार के रहते हैं। देखता हूँ साथियों, संभव हुआ स्लाइड के द्वारा तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा, नहीं तो साथियों आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़ लेना साथियों। अर्थ निकालना आपको आ गया साथियों, अर्थ निकालोगे आप, संयोग से निकालना, संधि से निकालना, नया शब्द बनेगा उससे निकालना साथियों। फिर भी नहीं हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नई क्लास फिर से लेके आऊंगा और आपके लिए वो उपसर्ग भी करवा दूंगा साथियों, ठीक है। तो तब तक के लिए आप आराम से इनको रिवाइज कीजिए, इनको देखिए साथियों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। आपका बहुत बहुत आभार साथियों, आपका धन्यवाद, इतना जो प्यार हमें दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद साथियों।